अस्सलाम वालेकुम हजरत, एक सवाल ये था कि तर्क जमाली और जलाली के बारे में जो कुछ लोग कहते हैं, इसके बारे में जरा बताइए कि क्या हकीकत है, कि इससे वाकई वसाइस में ज्यादा तासीर पैदा होती है, और अगर इसको फॉलो करें तो किस तरीके से करें। जज़ाकअल्लाह खैर। किसके बारे में? तर्क जमाली, तर्क जलाली। अच्छा, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। खैर, ये मौजू से हट के आपने सवाल किया है जी। ये तो अमलियात की एक चीज़ है कि आमिर लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, तर्क जमाली है, तर्क जलाली है, तो उसकी वजह से रूहानियत के एक मैदान की चीज़ें हैं। तो इसका कुरान और सुन्नत के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अमलियात की दुनिया के अंदर इंसान जब चिल्ले काटता है, तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह के जिक्र करता है, तो उनको फिर तर्क जलाली से रोका जाता है, तर्क जलाली का हुक्म दिया जाता है। और तर्क जलाली का मतलब है कि गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, इससे बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा गोश्त नहीं खाना। तो गोया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अंडा नहीं खाना, तो ये जो चीज़ें जो इंसान के अंदर गर्मी और इंसान की शहवतों को जो उभारें, उनसे रोक दिया जाता है, ताकि चिल्ला कशी के अंदर किसी किस्म की इंसान के अंदर जो है इंतशार पैदा ना हो और वो यकसुई उसकी बातिल ना हो। फिर तर्क बाज ऐसे वजह जो तर्क जमाली का हुक्म दे दिया जाता है कि मतलब आपने सब्ज़ी भी नहीं खानी, आपने दूध भी नहीं पीना, और गोया कि वो आम जो खुराक के दालें भी खाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ जौ की रोटी आपने खानी है, जौ की रोटी वो जैतून के तेल के साथ ज़्यादा ज़्यादा खाने की इजाज़त होगी आपको, तो ये तर्क जमाली का हुक्म दे देते हैं। तो ये अमलियात की दुनिया के अंदर चिल्ला कशी जब की जाती है, इस तरह के अहकाम दिए जाते हैं ताकि फाका कशी का असर उस पर ज़ाहिर हो। जब फाका कशी का असर ज़ाहिर होता है तो जो अमलियात के अंदर जो चिल्ला कशी कर रहा है उसमें तासीर पैदा हो जाती है। ये ऐसी है जैसे रोज़ा इंसान रखता है, रोज़े की हालत में नमाज की इबादत का जो लुत्फ़ है वो आम हालत में नहीं होता। तो इसलिए दीन इस्लाम ने तो उसके लिए रोज़ा रख दिया है कि आप रोज़ा रख लें, सुबह शाम तक रोज़ा रखें, और रोज़े के दौरान के अंदर जो है आप जो है वो अपने चिल्ला कशी करें, और इफ्तार के बाद मुख्तसर इफ्तार करें, और फिर रात के अंदर फिर अपनी चिल्ला कशी इबादत में लग जाएं। तो दीन इस्लाम ने तर्क जमाली जलाली का कोई ऐसा ज़ाबता दिया नहीं, लेकिन ये जो वो जो मशायख जो अमलियात की दुनिया के लोग हैं, उनकी ये तजर्बात हैं, उनके मुशाहदात हैं, उनके कैफियात को कंट्रोल करने के रास्ते हैं, तो बतौर इलाज के और बतौर उस किसी चीज़ की तासीर को हासिल करने के करने में कोई मुज़ायका भी नहीं है, लेकिन इसकी हकीकत यह है जो मैंने आपको बतलाई। अच्छा, माशाल्लाह।